अब धूम मचाने के लिए तैयार है मुंबई की ही मीनल जैन। मेकओवर्स, डांसिंग, कपड़ों, मेकअप, बालों में इतना खो गए हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली जो भी इंडियन आइडल बनेगा या बनेगी उसे स्टेज शो करना पड़ेगा। आपने गाना बहुत डिफिकल्ट चुना है, आपने ख़राब तो गाया नहीं है लेकिन उतना अच्छा नहीं गाया जितना मैं मीनल जैन से उम्मीद करता हूँ। फरा, पहले तो मैं एक बात सोनू जी को कहना चाहूँगी कि लिपस्टिक लगाने से और बाल अच्छी तरह काटने से कोई बुरा सिंगर तो नहीं बन जाता। अगर वो सारा टाइम मेकअप में और बालों में बिताएंगे तो रियाज नहीं करते। नहीं, उस चक्कर में काफी लोगों की परफॉर्मेंस खराब हुई और सब लोग ये कह रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप सारा टाइम सिर्फ लिपस्टिक ही लगाते रहो, बट इट टेक्स अबाउट 1 मिनट टू। फिर एक बात कहना चाहूंगा, कि जब आप जज की कुर्सी पे बैठे हो तो आप उनके गानों पर भी कॉमेंट करें, सिर्फ कपड़ों पे और बालों पे ना करें। गाने पर ही कॉमेंट कर रही हूँ, बट सिंस यू आर कमेंटिंग ऑन मेकओवर, I think I should refute the fact that it has nothing to do with them singing badly. It has got a lot to do because agar aap kapdon ki baat karte rahenge to ab wo gaane pe unko dhaja jayega. You are there to talk about anyway, it. Anyway, main wahi to bol raha hu. Farah has a point there. To Farah jo kehna chahti hain unki baat bhi. Ab main apni singing pe comment karti hu. Ab singing pe comment kijiyega. Agar main aankh band karke sunu to technically very good, but ek enjoyment jo ek hoti hai wo shayad missing hai. Meenal, you sang very nicely. Aapne itna mushkil gana pick kiya. इसको लाइव गाना बहुत मुश्किल है, उसके साथ आपने उसके बीच में डांस किया, आपने इंटरैक्ट किया कैमरा में, एंड उसके लिए आपको क्रेडिट जरूर मिलनी चाहिए। आई वुड लाइक टू से कि एम फॉर मैजिक, फॉर मी आई फॉर आइडल, एन फॉर नाउ, ए फॉर एम्बिशियस, एल फॉर लव, मीनल, दैट्स मीनल टू मी। ये खूबियां तुम में है सब, हम तीनों जजेस की बात छोड़ दो, मुझे लगता है खुश है तुम पे रब। थैंक यू सर। बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, बहुत सुंदर दिखी भी आप गाते हुए, अगर आप थोड़ी और मेहनत करें तो आप गवा सारा चौपट मोरा रोजगार हो। Thank you.
नैन लड़ जई है, नैन लड़ जई है तो मनवा मा कसक होई बैकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बैकरी। नैन लड़ जई है तो मनवा मा कसक होई बैकरी। आँख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है। पेरते देर बिना केवसे प्रीत मिलई है तो वो गावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लचक होई बकरी। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लचक होई बकरी। नैन मिल जई है, नैन लड़ जई है तो मनवा माँ कसक होई बकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बकरी। नैन लड़ जई है तो मनवा माँ कसक होई बकरी। त्रिपाठी जी, आपने गाना तो बहुत ही कमाल का चुना है। आपने ओवरऑल इस गाने को बहुत अच्छा गाया है। मुखड़ा आपने पूरा चढ़ा हुआ है। अंतरे से आपने ठीक गाया सुर में, लेकिन अंतरे में आपने वर्ड्स भूल गए। आपने कुछ गड़बड़ वर्ड्स गा दिए। ऐसे कैसे हो गया? नहीं करना चाहिए, एडजस्ट नहीं करना चाहिए ना। जब आपका परफॉर्मेंस आ रहा है तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग। नर्वसनेस से भूल गया, नहीं होना चाहिए ना। मैं मानता हूँ प्रियंका करीना है, लेकिन नर्वस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इतना मुश्किल गाना तुम इतनी आसानी से गा गए, तो मैं तुम्हारे लिए इतना जरूर कहूंगा कि रवि त्रिपाठी, सबको तुम पे भरोसा कम था और छूट रहे थे एक एक करके तुम्हारे साथी, लेकिन तुमने इतना अच्छा गाया, जल गई तुम्हारी बुझती हुई बाती रवि त्रिपाठी। रवि, तुम्हारे सिंगिंग में, तुम्हारे शो प्रेजेंस में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से, और मुझे लगा तुमने बहुत बहुत अच्छा गाया। इनफैक्ट गाला में ये तुमने बेस्ट गाया है अभी तक का। मुझे आपका ड्रेस बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आई विल बैक सोनू जी ऑन दिस वन। थोड़ा जो एक सुर की जो बात है, कुछ मिसिंग था मुझे ऐसे लगा। बाकी परफॉर्मेंस वाइज माइंड ब्लोइंग। मुझे लगता है आपको एक्टिंग में जाना चाहिए। अग्रीड कि आपने गलत वर्ड्स गाए, अग्रीड कि आपका सुर थोड़ा इधर उधर हुआ, लेकिन आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ गाया उस गाने को, मैं उसको नज़रअंदाज कर सकती हूँ कि आपने ऐसा किया। एंड इंडियन आइडल आई थिंक इज अबाउट बीइंग अ परफॉर्मर, एंड यू परफॉर्म्ड फैंटास्टिकली। थैंक यू वेरी मच रवि त्रिपाठी। लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।